लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने अपने घर लाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से लोगों को निकालने की इजाजत दे दी है, हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसका पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। जो लोग फंसे हैं वो खुद से ही घर नहीं जा सकते, इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बसों का इंतजार करना होगा। बसें कब तक चलेगी इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। राज्य सरकारें सारी व्यवस्था करने के बाद ही लोगों को लाने ले जाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी, घर जाने के इच्छुक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। अगर उनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं मिले तभी जाने दिया जाएगा। बसों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य तक पहुँचने पर फिर आपकी जाँच होगी, ठीक मिलने पर आपको होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जाएगा। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम मिलती है तो सीधे अस्पताल या नजदीकी हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा। सरकार ने इसकी पूरी प्रक्रिया तय कर ली है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन में घर जाने के लिए आपको क्या करना है। राज्यों में होंगे नोडल ऑफिसर। राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने ले जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। ये पूरी व्यवस्था को मॉनिटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगी बस। घर जाने को इच्छुक लोगों को पहले राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें ऑनलाइन या फोन पर जल्द व्यवस्था करेगी। हर यात्री की होगी स्क्रीनिंग। बस में बैठने से पहले हर एक व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। देखा जाएगा कि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं। स्वस्थ रहे तो मिलेगी बस। अगर जांच में स्वस्थ पाए गए तो ही आपको बस में बैठने की अनुमति दी जाएगी। बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, बिना मास्क बैठने नहीं दिया जाएगा। अपने राज्य पहुंचने पर फिर जांच। एक बार आपकी बस अपने राज्य में पहुंच गई तो वहां पर मेडिकल जांच होगी। लक्षण नहीं मिले तो आपको घर जाने दिया जाएगा। क्वारंटीन में रहना जरूरी। अपने राज्य पहुंचने और मेडिकल में क्लीन पाए जाने के बाद आपको घर जाने दिया जाएगा। हालांकि सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा, यानी अपने घर में घर वालों से दूरी बनाकर रखनी होगी। लक्षण मिले तो, अगर जांच में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं तो आपको नजदीकी कोविड-19 अस्पताल या फिर स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा। वहां आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा और समय समय पर जांच होगी। सबको डाउनलोड करनी होगी ये ऐप। अपने घर जाने की इच्छुक हर व्यक्ति को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।